गाजियाबाद में खुले ट्रांसफार्मर की वजह से 13 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। मामला विजयनगर इलाके का है। मासूम बच्चे के घर मातम पसरा हुआ है। उसकी मां का रो रो के बुरा हाल है। परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि अब उनका लाडला इस दुनिया में नहीं रहा। कल शाम मासूम बच्चा अपने पिता की दुकान पर जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में जर्जर पड़े बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले भी गाजियाबाद में बिजली की जर्जर तारों व ट्रांसफार्मर की वजह से लोगों की जान जा चुकी है। अब देखना यह है कि बिजली विभाग इस तरफ कब गंभीरता से ध्यान देगा। उधर खुले ट्रांसफार्मर की वजह से 13 साल के मासूम बच्चे की मौत और मौत होने से मासूम बच्चे के घर पर मातम पसरा हुआ है। और जो घटना हुई है वहाँ हुई है रामले ग्राउंड पर। क्या हुआ था मतलब? वहाँ बच्चे खेल रहे थे सब जाकर। अब उनकी वो ओपन है, खुला पड़ा है जाल सारा उसका, बिजली विभाग का जो जगह है वो खुला हुआ है। खुला होने के बाद में बच्चा वो बॉल ठाने गया, बॉल ठाने बाद में उसमें कोई खंबे में या करंट आ रहा तो उस खंबे से बच्चा चिपका। कितनी उम्र थी बच्चे? बच्चे की 14वीं साल में। हाँ 13 साल और 14 साल हमें लगभग मैं बता दी। मैं तो वो बच्चा वहीं पर जैसे वहाँ से लोग भागे हैं तो यहाँ से हमारे पास एक लड़की आई बेटी। बच्चे का परिवार किराए पर रहता है? सारे किराए पर रहते हैं, इनको तो बचपन बीत गया। हाँ बाप का भी बचपन बीता हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।